आपने देखा होगा कि कार में अलग अलग लीटर के इंजन आते हैं, जैसे 1.2 लीटर इंजन, 1.4 लीटर इंजन, 2.4 लीटर इंजन वगैरह। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका क्या मतलब होता है, क्योंकि बहुत से लोग इनके बारे में नहीं जानते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कार के इंजन में अलग अलग लीटर का क्या मतलब होता है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं और ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाले नए वीडियोस आप रोजाना देख सकेंगे। बहुत से लोगों को ऐसे लगता है कि कार में 1.2 लीटर का इंजन, 2.4 लीटर का इंजन एक कार के ईंधन की क्षमता को दर्शाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे टू व्हीलर्स में सीसी इंजन की पावर को दर्शाता है, वैसे फोर व्हीलर में लीटर इंजन की पावर को दर्शाता है। मान लीजिए किसी कार में एक लीटर का इंजन है, तो इसका मतलब होगा कि इंजन में पिस्टन जहां पर मूवमेंट करता है उसके सिलेंडर का वॉल्यूम एक लीटर है। जी हां, एक लीटर इंजन का मतलब होता है इंजन का सिलेंडर एक लीटर का है। एक लीटर 1000 सीसी के बराबर होता है। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी सिलेंडर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर का है। तो एक लीटर इंजन का मतलब होगा इंजन 1000 सीसी का है। इसी तरह से 1.2 लीटर इंजन का मतलब होगा कि इंजन 1200 सीसी का है। इसी तरह से 2.4 लीटर इंजन का मतलब होगा कि इंजन 2400 सीसी का है। इसी तरह से इंजन कितने भी लीटर का हो उसे सिर्फ 1000 से मल्टीप्लाई करना है, आपको इंजन कितने सीसी का है ये पता चलेगा। इसमें और एक ध्यान देने वाली बात होती है कि मान लीजिए कार में 1.2 लीटर का 4 स्ट्रोक इंजन है, इसका मतलब होगा कि इंजन में 4 पिस्टन है, यानी कि 4 सिलेंडर है। तो 1.2 लीटर का मतलब होगा 1200 सीसी। यहाँ पर हमें 1200 को 4 से डिवाइड करना होगा, इससे हमें वैल्यू मिलती है 300 सीसी, यानी 4 स्ट्रोक इंजन के हर सिलेंडर में 300 सीसी पावर पैदा होती है। इसी तरह से आप लीटर को सीसी में कन्वर्ट करके कार के इंजन की पावर को जान सकते हैं। तो आपको अच्छे से पता चला होगा कि कार्स में जो अलग अलग लीटर्स बताए जाते हैं उनका क्या मतलब होता है। तो चले मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।